हाउ टू ग्रो अ कोकोनट ट्री एट होम। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि नारियल के पेड़ को अपन घर पे ही कैसे उगाएं आसानी से। और ये जो ट्री आप देख रहे हो, मतलब जो सीड जर्मिनेट हुआ देख रहे हो, ये मैंने घर पे ही उगाया हूँ, वो भी सारा नेचुरल तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसकी सारी प्रोसेस कि अपने को कहाँ से क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अपने को लेना है एक दूध नारियल, और दूध नारियल को लेने के बाद आपको उसको दो से चार दिन तक, मिनिमम दो दिन से चार दिन तक आप पानी में उसको डुबा के रखो। और उसके बाद पानी में डुबाने के बाद आप एक पॉलीथीन लो, उसमें हल्का सा पानी लो, और पानी में लेने के बाद इस नारियल को भी उस पॉलीथीन में डाल के रख दिए हल्के से पानी के साथ, और एयर टाइट करके पैक करके रख दिए मस्त एक जगह पर। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ दिन बाद जब तक ये रूट आपको ना दिख जाए तब तक आपको उसको निकालना नहीं है पॉलीथीन से। तो बस ये आप सिंपल सी प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपका कोकोनट ट्री उग चुका होगा और ऐसा जर्मिनेट भी हो चुका होगा। और बात करें इस कोकोनट सीड की, तो मैंने इसको लिया था अगस्त के 3 या 4 डेट को लिया था मैंने, और उसी टाइम इसको मैंने पानी में डुबा के चार दिन मस्त पॉलीथीन में पैक कर दिया था एयर टाइट। और आज है अक्टूबर 2, और ये देखो इसमें इतनी ग्रोथ हो चुकी है, और अब ये रेडी हो गया है मिट्टी में जाने के लिए। तो अब मैं इसको बस मिट्टी में लगाऊंगा। तो ये है मेरा छोटा सा गार्डन, यहाँ पे सबसे पहले मैंने उगाया हूँ पारिजात का पेड़ जो कि ये रहा, फिर उसके बाद ये मैंने लगाया था जिसमें आम के पेड़ हैं, और ये हैं काजू के पेड़ अपने, और फिर मैंने ककड़ी का भी पेड़ लगा दिया था जिसमें अभी फूल लग रहा है ये देखो, और फिर इसमें अभी लगाया मैंने नारियल। तो देखते हैं इसकी क्या ग्रोथ होती है। वैसे तो अभी इसमें वो जर्मिनेट हो चुका है वैसे, और फिर ये अपना बीही का भी पेड़ है यहाँ पर।